आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको याकूब के स्वप्न के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 28 अध्याय में 10 वचन से 22 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ जा रहा था। तब याकूब बेशरबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर उसे अपने तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लुटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। तब भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने वहां यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तब याकूब ने अपना मार्ग लिया और अपने मामा लाबान के यहाँ पूर्वियों के देश में पहुंच गया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि याकूब अपने पिता और भाई को धोखा देकर अपने मामा लाबान के यहाँ भाग रहा था, क्योंकि प्रियो याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर अपने भाई एसाव को मिलने वाले आशीर्वाद को खुद ही ले लिया था। इसके कारण उसका भाई उस पर क्रोधित था और याकूब को मार डालना चाहता था, जिसके कारण याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ जाने को भाग गया। तब मार्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वप्न में उसे दर्शन देखकर उसके दादा अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को स्मरण कराया और उसे इस बात का वादा किया कि वो हमेशा याकूब के साथ रहेगा। इस स्वप्न में याकूब ने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते और चढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याकूब ने स्वप्न में जो सीढ़ी देखी थी वह सीढ़ी परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाती है। यह सीढ़ी दर्शाती है कि जिस ब्रह्मांड की परमेश्वर ने रचना की है उसमें परमेश्वर के लिए यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है मनुष्य, और परमेश्वर हम मनुष्य के साथ सहभागिता करना चाहता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य के साथ सहभागिता करने या संगति करने के लिए पहल करता है, अर्थात स्वयं परमेश्वर ही हमारे साथ संगति करने के लिए पहले अपने कदमों को हमारी ओर बढ़ाता है। परमेश्वर ही है जिसने हम मनुष्य के साथ रिश्ता बनाने की शुरुआत की है। इसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी आ गई थी उसे खत्म कर सके और हमारा मेल पिता से करा सके। प्रियो, यदि आप याकूब के स्वप्न की काल्पनिक तस्वीरों को देखोगे तो आप पाओगे कि यह सीढ़ी स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रही है, क्योंकि इस सीढ़ी का एक सिरा पृथ्वी पर है और दूसरा सिरा स्वर्ग पर।
एक तरह से देखा जाए तो इस स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर ने याकूब को हमारे उद्धारकर्ता के इस पृथ्वी पर आने की एक झलक दिखा दी थी। प्रियो, जरा इस घटना पर ध्यान दें कि याकूब परमेश्वर को ढूंढने के लिए या परमेश्वर की तलाश करने के लिए अपने घर से नहीं भागा था, वह तो अपने भाई से अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ छल किया और धोखा देकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, उसने अपने पिता से भी झूठ बोला। जब उसके पिता ने उसे पूछा कि तू कौन है, तो वह कहता है कि मैं एसाव हूँ। इस प्रकार के काम करके वह अपने जीवन में अपने भाई से नहीं बल्कि परमेश्वर से दूर भाग रहा था। ठीक इसी तरह प्रियो, हम भी अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम भी कई प्रकार के पापों को करने के द्वारा परमेश्वर से दूर भागते हैं। लेकिन हमारे लिए यह कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर से चाहे कितना भी दूर क्यों ना भागें, वो हमें ढूंढ ही लेता है। हम मनुष्य पाप से भरे जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं और नहीं जानते कि परमेश्वर की हमारे जीवन से एक योजना है, जिसके कारण वह कभी भी और किसी भी मार्ग पर हमको मिल जाता है और हम पर अपनी योजना को प्रकट करता है। प्रियो, याकूब के इस दर्शन में जो सीढ़ी उसने देखी, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ही वह मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचाता है। और प्रभु यीशु ने स्वयं यह कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रियो, हम खोए हुओं को ढूंढने और हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हमें पिता से मिला सके। और जो सीढ़ी याकूब ने अपने स्वप्न में देखी, वह हमें बताती है कि हमारे लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है और वह मार्ग यीशु मसीह है। प्रियो, हो सकता है कि आप भी परमेश्वर से दूर भाग रहे हों, या हो सकता है कि आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे हों। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है, वो आपको ढूंढ रहा है तथा आपको अपने निवास स्थान स्वर्ग में ले जाना चाहता है। इसलिए आज ही अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आइए। वो अपने बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है तथा आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो, याकूब के स्वप्न में सीढ़ी का जो सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था, उसके ऊपर परमेश्वर यहोवा खड़े थे और वो याकूब से कहते हैं कि जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा को दोहराया जाता है, इसलिए इसे अब्राहम की आशीष कहा गया है। जैसे उत्पत्ति के 12 अध्याय के 2 और 3 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने उससे कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारे घराने तुझ में आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने वही वचन याकूब के लिए दोहराया। प्रियो, जब आप गलातियों के पत्री के 3 अध्याय के 14 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों को, अर्थात हम विश्वासियों को जो कि पहले अन्य जाति थे, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने से मिली है। अर्थात जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो अब्राहम की यह आशीष हमारी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पवित्र आत्मा पाना मतलब अन्य भाषा में बोलना, क्योंकि आजकल अधिकतर मसीही अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने को ही आत्मा का अभिषेक समझते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं प्रियो कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा के अनेक वरदानों में से एक वरदान है। लेकिन कई लोगों ने पवित्र आत्मा से भरे जाने के अर्थ को ही बदल दिया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो पवित्र आत्मा से भरे जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें प्राप्त कर सकें और इस पृथ्वी पर हम जिस भी व्यक्ति से मिले उस तक हम परमेश्वर की वो आशीष पहुंचा सकें। कहने का मतलब है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें एक आशीष बनाना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। क्योंकि यदि आप अब्राहम, इजहाक और याकूब को दी गई प्रतिज्ञाओं को ध्यान से पढ़ोगे तो उस प्रतिज्ञा में उसने यही कहा है कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है तो हम सभी लोगों के लिए एक आशीष बन जाते हैं। प्रियो, जब भी कोई हमसे मिलेगा तो वो हमसे मिलने के बाद आशीष पाए बिना नहीं रहेगा। इसके साथ ही परमेश्वर ने उस स्वप्न में याकूब से यह भी कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। प्रियो,
जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर ने याकूब से यही वादा किया कि मैं तेरे संग रहूंगा। ठीक ऐसे ही परमेश्वर आज भी हमारे साथ रहता है और उसकी उपस्थिति का प्रतीक उसके द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा है, जो हर पल हर समय हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए प्रियो, आप कभी अपने आप को अकेला या तनहा मत समझिएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर हर समय हर परिस्थिति में सदैव आपके साथ है। जैसा वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा और यहोशू के साथ साथ था, वैसा ही वो आपके भी साथ है। तब हम आगे यह देखते हैं प्रियो कि जब याकूब स्वप्न से जागा तो भय खाकर उसने कहा कि यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। और भोर को उठकर वह अपने तकिए के पत्थर को लेकर उसको खड़ा किया और उस पर तेल डाल दिया। और वहां याकूब ने मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के यहाँ कुशल से पहुंच जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब यहाँ ध्यान दे प्रियो कि ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी। असल में उसके सपने में परमेश्वर द्वारा दी गई अद्भुत प्रतिज्ञा के बदले उसका जवाब यह था कि प्रभु, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है और मेरी इनमें कोई रुचि भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी यात्रा में मुझे संभालना, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देना और हर दुर्घटनाओं से मुझे बचाना, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे पृथ्वी की सारी जातियों के लिए एक आशीष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप मुझे सारी भौतिक आशीष देंगे तो मैं आपको अपनी आय का दसवां अंश दिया करूंगा। प्रियो, यह बड़े अफसोस की बात है कि आज बहुत से मसीहों को आत्मिक आशीषों से ज्यादा भौतिक आशीषें ही चाहिए। इसलिए अधिकतर मसीहों की प्रार्थनाएं भी ऐसी ही होती है कि हे प्रभु, मुझे अच्छी नौकरी दे, मेरा प्रमोशन करा दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे, अच्छा घर दे, मेरी बीमारी चंगा कर दे, मेरे बच्चों का अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दे, मेरा वीजा लगवा दे, तो मैं तुझे अपनी आय का दशमांश दिया करूंगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं और अब्राहम की आशीष पाएं और फिर वे जहां भी जाएं वे वहां एक आशीष बन जाएं। परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ भौतिक आशीषों पर ही रहता है। आप खुद सोचकर देखिए प्रियो कि हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमें ही आशीष बनाना चाहता है। अब आशीष मांगने में और आशीष बनने में कितना अंतर है, खुद सोचकर देखिए। हम भौतिक आशीषों से संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित होने के लिए बुलाया है। ध्यान रहे प्रियो कि भौतिक आशीषें अस्थाई है, परंतु आत्मिक आशीषें अनंत है। आप खुद सोचिए प्रियो कि हमें अस्थाई आशीष चाहिए या फिर अनंत आशीषें चाहिए, फैसला आपको करना है। आशा करती हूँ प्रियो कि याकूब के स्वप्न पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।